जो माँ हमें जन्म देती है, जो माँ हमें पाल पोस के आगे बढ़ाती है, ऐसा अगर टाइम आ गया कि उसकी परवरिश करने की हमारी जिम्मेदारी है, उस टाइम अगर वो हम जो जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकते, तो ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, जो मानवता है वो चली जा रही है दिन ब दिन, पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। बहुत बार दिखाई देता है कि जो एल्डरलीज होते हैं उनको कभी कभी रोड पे छोड़ दिया जाता है, कभी कभी जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ भी छोड़ दिया जाता है। आज की तारीख में यहाँ 300 औरतें हैं। बहुत सारी औरतों में किसी में HIV है, किसी में ट्यूबरक्यूलोसिस है, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में आती है तो उसके लिए उनको ICU में रखना पड़ता है। रोड पे रहती है तो बहुत सारे टाइम वो मालन्यूट्रिश रहती है, दे नीड अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट। ये सब फेसलेस थे जब रोड पे थे, तो देवर फेसलेस, इनका कोई ह्यूमन वैल्यू ही नहीं था। आई एम वेरी हैप्पी दे आर नाउ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ इंडिया। जन्म जन्म का कुछ इनसे मेरा नाता है, इसके कारण इस जन्म में सब लोग मेरे साथ आए हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि सबके लिए मुझे काम करना पड़ता है। ये वीडियो देखने वालों सबको मैं अपील करता हूँ कि खाने वाले जो मुँह है वो बढ़ रहे हैं और उनको न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए। आप सबके डोनेशन से, आप सबके हेल्प से मैं इनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ, एक अच्छा जीवन देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ।